वेलकम है दोस्तों तुहाडा साडे चैनल माला मणके उत्ते। किताब अंतरजात लेखक नरिंदर सिंह कपूर, लेख जेड़े भीड़ विच गवाच गए। भीड़ अपने ढिड नूं ही अपना दिमाग समझदी है, सब नारियां दा स्रोत ढिड है। नारे रौला पजाउंदे हन, रौला भीड़ दा वार्तालाप हुंदा है। भीड़ बोलदी है सुनदी नहीं। भीड़ कोल शरीर हुंदा है, लत्तां बाहां हुंदियां हन, पर दिमाग नहीं हुंदा, सोच नहीं हुंदी, ज्ञान नहीं हुंदा, तर्क नहीं हुंदा। भीड़ कोल जोश हुंदा है, उद्देश नहीं हुंदा, रस्ता हुंदा है पर निशाना नहीं हुंदा। इसे करके भीड़ अपना अते दूजियां दा नुकसान तां कर सकदी है, ये नुकसान ही करती है। ये किसी समस्या नूं हल नहीं कर सकती, ये कोई उसारी नहीं कर सकती। कोई उसारी जां किसी समस्या का हल उदों ही संभव हुंदा है जदों ताकत तर्क के अधीन होवे, परंतु जदों ताकत तर्क उत्ते काठी पा लवे तां स्थिति हड़ वाली हो निबड़ती है। हड़ दे पानी नाल सिंचाई नहीं की जा सकती, हड़ नुकसान ही करता है। हर किसी के मन में दबिया कुचलिया उमंगा अते इच्छावां की भीड़ प्रगटावे लई नारे मार रही है, तरले लै रही है। यही कारण है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी भीड़ का भाग हुंदा है। मनुखी सभ्यता का विकास वास्तव में भीड़ विचों निकल के एकांत विच इकले विचरण की तांग का प्रगटावा है। ज्ञान भी भीड़ विचों लंघ के किसी शांतमई वातावरण विच पहुंचण की यात्रा हुंदा है। किसी नूं प्यार करना भी किसी नूं संसार की भीड़ विचों पछाणन, भीड़ विचों बाहर कढ लिआउण अते किसी अणजाणी दुनिया विच प्रवेश करन दा उपराला हुंदा है, जिथे असी वक्खरे हो के नवे अनुभव प्राप्त करते हाँ। हुण लोकां विच छुपे रहण की चाह नहीं, वधेरे तो वधेरे दिसण की अभिलाषा है। पैसे की दौड़ कारण भीड़ वड्डी हुंदी जा रही है अते हर कोई अखां मीड के इक्को पासे दौड़िया जा रहा है। दौड़दे हुए लोग किसी का हाल चाल नहीं पुछ सकते, ना ही वह कोई रिश्ता उसार सकते हैं, ना ही उन्होंने कोई पछाण बनती है। जेड़े पैसे पिछे दौड़ते हैं उन्हों का असल उद्देश होरां नालों वध अमीर बनना हुंदा है। वह पैसा तो इकट्ठा कर लेंदे हैं पर उन्होंने अमीर होने का एहसास नहीं हुंदा। उन्होंने परिवर्तन तो वापरता है, विकास नहीं वापरता। परिवर्तन बाहरी पदार्थक तब्दीली नूं कहिंदे हन, जदों के विकास अंदरली इकलाकी अते रूहानी तब्दीली नूं कहा जांदा है। जिन्हां कोल अनुचित ढंगां नाल पैसा इकट्ठा हो जांदा है, ओह अनुभव दे पक्खों इकलाकी अते रूहानी पक्खों होर गरीब हो जांदे हन। उन्हां नूं कुछ लभ पैण दा नहीं, बहुत कुछ गवाच जाण दा अहसास हुंदा है। जिहड़े व्यक्ति राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी चाहुंदे हन, उन्हां दे तुर अंदर इच्छा रब बनन दी हुंदी है, जिस दे अगे लोग झुक झुक के सलामा करनगे अते भांत भांत दीआं मंगां दी पूर्ति लई तरले लैणगे। जदों अजिहे व्यक्तियां कोल राजनीतिक शक्ति आ जांदी है तां अजिहे लोग अंदरों बड़े डरन लग पैंदे हन। इन्हां नूं हर वेले अपने मारे जाण दा खतरा अते गद्दियों उतारे जाण दा भय बेचैन करदा है। इवें ये बाहरों शक्तिशाली प्रतीत होण दा नाटक अते अंदरों डरे हुए होण दी वास्तविकता दा दुखरा संताप हंडाउंदे हन। भीड़ वधण कारण सड़कां दी जिम्मेवारी वध गई है। सड़क उत्ते मरन वालियां दी गिणती बिस्तरे विच मरन वालियां दी गिणती नालों वध जावेगी। भीड़ विच काहल हुंदी है अते काहल साडी रफ्तार नूं तेज करदी है, पर ज्यों ज्यों रफ्तार वध रही है त्यों त्यों मंजिल गवाचदी जा रही है। हुण साडा विहार नींद विच तुरदे लोकां दी भीड़ जां गवाच गए कुरलौंदे काफले वाला हो गया है। धर्म मनुख नूं इकल्लिआं अपना राह ढूंढण दा उपदेश दिंदा रहा है अते कहिंदा रहा है कि जदों संसार दी भीड़ विच्चों जावो तां इवें जाणा जिवें इकल्ले होवो, तुसीं ही अपने रक्षक अते दुश्मन हो। धर्म दे प्रभाव तों घटण कारण जीवन अपनी चूल तों हिल जाण कारण बेताल हो गया है। अजिही अवस्था विच सब कुछ ओपरा अकाऊ अते रोगी हुंदा जा रहा है। ये हैरानी की गल नहीं कि अजोके युग में भीड़ बिरती कारण साडा मनोरंजन भी रोगी है, क्योंकि जदों तक कोई गंदी गल ना की जाए हुण हासा ही नहीं आता। हुण अखबार में हथियारियां दे ना ही छपदे हन। भटकते भटकते भटकना मनुख की आदत बन गई है। हर व्यक्ति हुंदा तां किसी ना किसी भीड़ का भाग है, पर हर कोई अपनी अपनी भीड़ का आगू बनने के यतन विच है। जिवें खाली थां साडी आवाज़ नूं वापस परता दिंदी है, इवें ही नेता की आवाज़ नूं भीड़ वापस परता रही है। हुण नेतावां वांग गुरु भी श्रद्धालुआं की भीड़ की भाल विच निकले हुए हन।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੰਸੂਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਹਨ। ਮਨਸੂਰ ਜਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੇ ਠੀਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਕੋਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਝੁੱਲਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਤੁਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਪੜ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਥਰਥਰਾਹਟ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰੀ, ਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਡਾਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਸਰ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਣਗਾਹੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤਨਾ ਉੱਚਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਹਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਵੇਂ, ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਨਕਲਾਬ ਉਹ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭੀੜ, ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਤਾਂਘਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ ਸਭ ਧਰਮਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ, ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਬੰਧਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਭੈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਭੀੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਭੀੜ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਭੀੜ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਦਾ ਅੰਬਰ ਨਿਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੀੜ ਵਾਂਗ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੀਰੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੀੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੀੜ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
झूठ बोलण वाले नूं रब की परवाह नहीं हुंदी, बंदे का डर हुंदा है, जदों के सच बोलण वाले नूं केवल रब का डर हुंदा है, उस नूं किसी सरकार जां बंदे की परवाह नहीं हुंदी। वेख्या गया है कि इकला व्यक्ति कदी भैड़ा नहीं हुंदा, भैड़ा व्यक्ति भी जदों इकला हुंदा है वह चंगा व्यवहार ही करता है। भैड़ा वह होरां नाल रल के भीड़ का भाग बन के ही हुंदा है, भीड़ नाल बहस संभव नहीं हुंदी, भीड़ किसी का सन्मान नहीं कर सकती, अपमान ही कर सकती है, भीड़ कोल धीरज नहीं हुंदा। भीड़ संबंधी सिद्धांत है कि किसी समुची भीड़ का विहार उस भीड़ विचले नीवी तो नीवी अकल वाले व्यक्ति की पद्धर तक डिगेगा। किसी भीड़ विच जिहड़ा व्यक्ति सब तो वध मूर्ख जां गैर जिम्मेवार जां लड़ाका होगा, समुची भीड़ अंत नूं उस वर्गी हो निबड़ेगी। इस सिद्धांत का दूजा सिरा भी है, किसी सैमीनार जां जमात जां सभा आदि का समुचा विहार अते उस विचले हर व्यक्ति का विहार उस विचले सियाने तो सियाने व्यक्ति की पद्धर तक उच्चा जाएगा, इस तो उपर नहीं जा सकता। गुस्सा खतरा या डर भीड़ नूं सिरजदा है, गुस्से खतरे या डर आदि के भाव मनुख नूं अंदरों बाहरों गिरफ्तार कर लेंदे हन। इस स्थिति विच अक्सर कोई गल वापर जांदी है जां कोई अफवाह फैल जांदी है। जदों लोग गुस्से होण जां डरे होण तां उह हर घटना जां खतरे नूं वधा चढ़ा के पेश करदे हन। लोगों विच गुस्से जां डर दी सांझ कारण अफवाह कन्नों कन्न फैल जांदी है। इस्त्रियां विच सुभाविक ही कल्पना शक्ति वधेरे होण कारण गल नूं वधा चढ़ा के कहण दी बिरती हुंदी है। सांझे खतरे विरुद्ध सारे एक दूजे दे सहयोगी हो निबड़दे हन। हर कोई अपनी वेत अनुसार अफवाह जां घटना नाल नवें नवें पक्ष जोड़दा जांदा है अते भीड़ दा आकार निरंतर वधदा जांदा है। नकल दी तीखण बिरती कारण सारे एक दूजे वांग सोचण अते विहार करन लग पैंदे हन। हौली हौली सोच घटदी जांदी है, हरकत वधदी जांदी है अते भीड़ नूं जोश उत्तेजना अते भावुकता दी लाग लग जांदी है। भीड़ दे अगले हिस्से दे लोग जो करदे हन बाकी हिस्सा उसकी नकल अते समर्थन करन लग पैंदा है। इस स्थिति विच धर्म जां अणख जां इज्जत जां पत जां आबरू खतरे विच होण दी दुहाई चिरां तों अणवरती सुत्ती पई शक्ति नूं जगा दिंदी है। समुची भीड़ एकमुठ हो के टकराउण दे रौं विच समुंदर दे तूफान वांग अन्नी शक्ति दे रूप विच उठ खलोंदी है। भीड़ अपने अजित होण दा भरम पाल के नवें रोह विच आ जांदी है। इस स्थिति विच भीड़ नूं बल उठण लई किसी एक चंगियाड़ी दी लोड़ हुंदी है। कईआं अंदरला शहीदी उभार अते कईआं अंदर कुझ कर गुजरन दी तांग जाग पैंदी है। हर रुकावट अते काबू कीते जाण दे हर यतन नूं उलंघ जाण विच ही भीड़ नूं अपना बचाओ दिखाई देण लग पैंदा है। जदों भीड़ दे अंदरले हिस्से नूं अपने घिर जाण दा तौखला पैदा हो जावे तां अंदरों बाहर वल लगण वाला जोर वध जांदा है। भीड़ विच घिर गए व्यक्तियां दे अवचेतन विच दब्बे घुट्टे गिले शिकवे अपूर्त इशावां दा हजूम अते होए अपमानां दा बदला लैण दी भावना जाग पैंदी है। विरोध जां विरोधी नूं कुचरण दी बिरती भीड़ नूं कार्ज करन लई प्रेरदी है। हर भीड़ मिंटां विच ही सभ्यक विहार अते सभ्यता दीआं अणगिणत पौड़ियां थले उतर जांदी है अते भीड़ दा विहार समाज दे होंद विच आउण तों पहलां वाले जांगली बेमुहार मनुखी इज्जड़ वाला हो जांदा है। भीड़ विच उत्तेजना नूं एक दूजे तों भरवां हुंगारा मिलदा है अते दूजिआं नालों वध कर गुजरन लई मुकाबला चल पैंदा है अते हर कोई इस नूं वध तों वध स्वै प्रगटावे दा अवसर बना लैंदा है। इवें भीड़ उसरे नूं ढाउण दे कार्ज विच रुझ जांदी है। भावां दी पद्धर ते सारे मनुख बराबर हुंदे हन जदों के समय दे पक्खों उह उच्चे नीवें हुंदे हन। भीड़ भावां दा गठजोड़ जोड़ मेला अते समूह हुंदी है। जहाद मुहिमां अते मोर्चे भीड़ दे वरतारे हुंदे हन। भीड़ वक्खरी सोच वाले व्यक्तियां नूं डराउण दा हथियार भी है। भीड़ कोल समझण समझाउण दा सबर नहीं हुंदा, उस विच केवल मरन मारन अते बदला लैण दा जज्बा हुंदा है। किसी देश की वंड जां दंगे फसादां दौरान यह स्थिति आम वेखण विच आउंदी है। भीड़ हर युग दा वरतारा रही है। भीड़ां ने उसरियां सभ्यतावां तबाह कीतियां हन। तुरकां दीआं भीड़ां ने यूनानी अते रोमन सभ्यतावां नूं ढा लई है। विश्व दा इतिहास कल्ले अते अनोखे व्यक्तियां दे योगदान दा इतिहास है, जदों के भीड़ां उन्हां दीआं प्राप्तियां नूं मेटण दे कारज विच आप मिट जांदियां हन। संसार भीड़ नूं समुंदर विच डुब्बे जहाज वांग भुल जांदा है। हर किसी विच अनोखे अते इकल्ले होण दी संभावना जां समर्था नहीं हुंदी, लोकां दी बहुगिणती भीड़ दा भाग बनन योग ही हुंदी है।
हुण क्लास विच अगले बेंच ते बहण वालियां दी गिणती सुंगड़दी जा रही है। हुण बहुते विद्यार्थी पिछे वधेरे सौख नाल बहिंदे हन, उहनां दी सफलता विच कोई दिलचस्पी नहीं हुंदी, उह अवल नहीं आउणा चाहुंदे, उह भीड़ तों वखरे नहीं आउणा चाहुंदे। उहनां दा दिल उत्थे ही लगदा है जिथे भीड़ हुंदी है, उह नायक नहीं बनना चाहुंदे। धर्म के खेत्र विच भी फिरका प्रस्ती कारण भीड़ वध रही है। ज्यों ज्यों हिंसा का डर वधेगा, यह भीड़ वड्डी हुंदी जाएगी। निरसंदेह डर विच धर्म साडी तरवास बनता है, पर धर्म आप भी एक सहम बन के साडी छाती उत्ते बैठ गया है। व्यापारक अदारे, राजनीतिक पार्टियां, संचार साधन आदि हर मनुख नूं किसे वड्डी भीड़ का भाग बनाउण दे आहर विच हन। मनुख लई वखरे ढंग नाल सोचण दीआं संभावनावां सुंगड़नहीआं हन अते नतीजे वस हर एक व्यक्ति वख वख कारणां करके जीवन तों असंतुष्ट है। इह असंतोख उस नूं असंतुष्ट लोकां दी भीड़ दा भाग बनण लई प्रेर रिहा है। अजोका मनुख ख्याली, इखलाकी अते रूहानी संकट दा शिकार है। कईआं लई भीड़ विच गवाचणा ही मन परचावा हो गया है। जिहड़े सोच सकदे हन उहनां नूं सोचणा चाहीदा है कि संसार दे निराश अते असंतुष्ट व्यक्तियां दी भीड़ नूं जिंदगी दे नाच विच, जिंदगी दे जशन विच किवें बदलिया जावे अते उहनां नूं अनोखे अते इकल्ले मार्ग ते किवें पाया जावे तां जो उह अपनी सोच दा, अपने विहार दा घेरा विशाल कर सकण अते मानव जाति लई नवें आदर्श उसार सकण। भीड़ विच गवाच गयां नूं इह असंभव जापेगा, पर उहनां नूं याद करवाउणा पवेगा कि हर चंगा काम पहलां असंभव विखाई दिंदा है। असंभव नूं संभव बनाउण विच ही किसे दा अनोखापन छुपिया हुंदा है। जदों एक हथ अजिहे व्यक्तियां दा अते दूजा हथ समुचे समाज दा होवेगा तां जिंदगी नूं हुलारा अते उत्साह देण वाली ताड़ी खूब वज्जेगी अते उदासीनता जशन विच बदल जावेगी। इह व्यक्ति ध्यान विच जितने डूंघे उतरणगे, अमल दे पक्षों समाज उतना उच्चा हुंदा जाएगा। तो दोस्तों, इस दे नाल ही ये लेख खत्म हुंदा है। फिर मिलांगे आपां इस तों अगले लेख नाल। धन्यवाद।